गाइस, सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम एक नई कहानी के साथ में है स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। तो एक बार की बात है कि वो अपने कमरे में आराम से लेटे हुए होते हैं, तो एक अंग्रेज उनके कमरे में आते हैं और वो देखते हैं कि जो स्वामी जी का बेड है उसके साइड में एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है। अब श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई है उस टेबल के ऊपर, पर उन भगवद गीता के ऊपर लगभग 15 से 20 किताबें और रखी हुई होती हैं। और वो देखते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो देखते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जितनी भी किताबें रखी हुई है, 15-20 किताबें लगभग थी, उनमें से ज्यादातर जो किताबें होती हैं वो अंग्रेजी राइटर्स की होती हैं। तो वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हंसते हुए बोलते हैं कि स्वामी जी, फाइनली आपने मान लिया कि जो हमारे अंग्रेजी राइटर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं वो आपकी श्रीमद् भगवद गीता से ज्यादा अच्छी हैं। तभी तो आपने सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता को रखा और बाकी सारी बुक्स को उसके ऊपर रखा हुआ है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसे ही कुछ जवाब दिया तो ये समझेंगे तो है नहीं, मतलब कि वो अंग्रेज समझेंगे तो है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे नीचे भगवद गीता रखी हुई थी उसे क्या किया, वहां से खींच लिया। तो एकदम से जितनी भी उसके ऊपर वो 15-20 किताबें रखी हुई थी अंग्रेजी राइटर्स की, लगभग ज्यादातर उनकी थी, वो एकदम से आकर नीचे गिर जाती हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा, आपकी जो इतनी सारी अंग्रेजी किताबें बेशक हमारी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर रखी हुई हो, पर इन सबका जो बेस है वो तो श्रीमद् भगवद गीता ही है। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से एक छोटा सा किस्सा। तो मिलते हैं फिर से किसी एक और नई कहानी के साथ में।